please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रियल्टी मीडिया के माध्यम से सीनियर टाउन प्लानर आपको बताएंगे कैसे काम करता है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्लीकेशन शुरू किया है जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इसमें घर में बैठ के ही आर्किटेक्ट या ओनर्स ऑफ प्लॉट जो हैं अपने बिल्डिंग प्लान सबमिट कर रहे हैं और उनको घर पे ही उनके ऑब्जेक्शंस और उनके सजेशंस और अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान की कॉपी मिल जाती है। उनको बिल्कुल भी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कर्मचारी से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उसमें स्टेजेस अप और डाउन होती जाती हैं वैसे वैसे उनको पता चलता जाता है कि उनका बिल्डिंग प्लान कहाँ मूव कर रहा है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग घरों में बैठ के काम करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें करप्शन कम होता है और बहुत जल्दी त्वरित से आपका काम होता है। तो मैं आपको अपनी वेबसाइट से बताऊंगा किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसको किस तरह से फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं ताकि लोगों को बेहतर ढंग से हमारी ये प्रोसीजर है वो समझ में आ सके और हमारा एंडेवर कंप्लीट हो सके। ये हमारा नगर निगम का वेबसाइट है जिसमें जगह जगह पर आइकन्स हैं और उन आइकन्स में से आप आइकन को चुन सकते हैं। जो हमारा आइकन है वो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल वाला है। बिल्डिंग प्लान पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो साइट है वो ओपन हो जाती है। इसमें आपके पास लिखता है लॉगिन। लॉगिन है ये हमारे अफसरों के लिए, वो लॉगिन कर सकते हैं। और आपने एक बार रजिस्टर किया है तो आप भी लॉगिन कर सकते हैं अपने पेपर्स अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आप रजिस्टर होते हैं एक तरह से यूज़र की तरह, जो आर्किटेक्ट क्या वो होते हैं। ये हमारे DM साहब हैं जयवीर जी, ये एक तरह से आपको बताएंगे किस ढंग से इनको अपना वो रजिस्टर करना है एज ए रजिस्टर। तो ये हाँ ये अपना लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो भी इनका नाम है। इसके बाद ये यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद फिर ये अपना फ़ोन नंबर डालेंगे ताकि इनको लगातार सूचनाएं मिलती रहें। इसके बाद ये अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये इनके अपने ऊपर में है ये क्या जनरेट करते हैं। पासवर्ड की सीमाएं होती हैं कि आपके जो है अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए उसमें, और आप कोशिश करें कि ऐसा पासवर्ड चुनें जिससे कि लोग उसको चुरा ना सकें, लोग उसको समझ ना सकें। आपके जो अपने डेट ऑफ बर्थ हैं या जो नोन नंबर्स हैं वो ना करें उसमें। और इस तरह से फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से आपने जब इंफॉर्मेशन अपने डिटेल्स डाल दिए आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपकी प्रोसेस को ये रजिस्टर कर रहा है। आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आया है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का हमने इसमें ध्यान रखा है। हर बात के लिए आपको OTP मिलता है ताकि कोई भी आपके पासवर्ड को मिसयूज़ ना कर सके। अब इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आइकन्स आ गए। बिल्डिंग प्लान आपने रेजिडेंशियल के लिए करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आपने रेजिडेंशियल का नहीं करना है किसी और का करना है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और पेमेंट्स के लिए यहाँ पर अगर आपका कोई एडिशनल पेमेंट्स आता है तो वो आप यहाँ पर करेंगे। अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी डिज़ायर फॉर्म्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे अपलोडेड हैं। इनमें केवल आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। BR1 होता है हमारा, BR2 होता है हमारा, ये सारे हमारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, इनको आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट में जाएंगे, जाएगा नहीं है। हाँ जी, ये आपने एप्लीकेशन के डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे। अगर आप किसी कंपनी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का नाम डालेंगे, इंडिविजुअल नाम पे करें इंडिविजुअल डालेंगे, बंदों का नाम डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपका ऑथराइज पर्सन होगा आपके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और इसको यूज़ कर सकता है तो आप उसका नाम वहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड का अपना या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आप डालेंगे। फिर आप इसमें एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद में ये और डिटेल्स हैं यहाँ पे जो साइट की डिटेल बताते हैं, आपकी कॉलोनी कौन सी है, खसरा नंबर कौन सा है, एरिया कितना है। अगर नगर निगम की प्रॉपर्टी है तो उसकी ID भी होती है आपकी, तो वो ID भी आप डालेंगे। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालेंगे ताकि आपका प्लॉट फॉर्म हो सके वहाँ पे। इसके बाद में BR4-5 आपने डाले रखे हैं, सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। NOC है तो वो अपलोड कर दीजिए। आर्किटेक्ट का नाम यहाँ डालना बहुत ज़रूरी, मैंडेटरी है। इट इज़ ए मैंडेटरी कि आर्किटेक्ट हो, क्योंकि आर्किटेक्ट के बिना आप बिल्डिंग प्लान बना नहीं सकते। इट इज़ मैंडेटरी कि यू शुड हैव ए आर्किटेक्ट विद यू। आर्किटेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंडेटरी है, और उसका आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि CIA का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का नंबर होता है, वो बहुत जरूरी है। तो हम ऑथेंटिसिटी ऑफ आर्किटेक्ट भी देखते हैं। आप कोई भी बंदा, पहले क्या होता था, कोई भी ड्राफ्ट्समैन है, कोई भी सिविल इंजीनियर है, या कोई भी बंदा है जो स्पेसिफाइड नहीं है, वो भी बिल्डिंग प्लान डाल देता था। अब उसके लिए डालना मुश्किल हो गया क्योंकि उसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके बाद में पेमेंट जो है हमारी मलवा फीस है, बाकी जो फीसेज हैं उनके डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, उसमें आप वो फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे पैसे पे करेंगे, जितने भी हमारे पैसे आते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे तो आपकी साइट आगे नहीं जाएगी, इट इज़ अ हिच इन दैट। तो इसके बाद में अब ये साइट आपकी आगे नहीं जाएगी क्योंकि आपने पैसे नहीं पे किए हुए हैं। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड स्टेप ऑफ दैट। एक बार जब आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया तो इसके बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बस आपने इतना इंश्योर करना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप पूरे के पूरे भरें, उनके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट भी पूरे रखें। ऐसा ना करें कि डॉक्यूमेंट का आप फ्रंट पेज अपलोड कर दें और बाकी के पेज अपलोड ना कर पाएं। हमारे इसमें MB की कोई समस्या नहीं है, आप जितने चाहें उतने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये मत घबराएं कि जी वो तो 25 MB अपलोड होता था इसलिए मैंने दो ही कागज अपलोड किए। पूरे कागज आप अपलोड कीजिए, एक बार इंश्योर कर लीजिए अपलोड करने के पहले कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। बहुत बार ऐसा होता है बिल्डिंग प्लान आप लोग अपलोड नहीं करते या आप किसी दूसरे फॉर्मेट में अपलोड करते तो जो हमारे यहाँ ओपन अप नहीं होता। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जो फॉर्मेट हमने बताया है उसी फॉर्मेट में आप करें। ऑटोकैड का फॉर्मेट है, बहुत ईजी फॉर्मेट है। तो अब आपका काम खत्म हो गया, अब डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। जैसे ही आप अपना बिल्डिंग प्लान अपलोड करते हैं हमारे इस पर एक मैसेज आ जाता है कि आपने अपना बिल्डिंग प्लान अपलोड कर दिया। जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उस चेन में सबके पास में मैसेज चला जाता है और सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से। ये मुझे मैसेज आया है जो मुझे बता रहा है कि मेरे को एक बिल्डिंग प्लान असाइन हो गया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं इस बिल्डिंग प्लान को इंटरटेन करूँ विद इन 7 days। अदरवाइज मुझे एक और मैसेज आ जाएगा कि आपने 7 days में इंटरटेन नहीं किया, उसके बाद में ऑटो स्विच होकर वो दूसरे बंदे के पास में पहुंच जाएगा और फिर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बिल्डिंग प्लान में कमियों को लेके या किसी भी बात को लेके, तो वो सारी की सारी मेरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे ऊपर कोई भी आक्षेप लगे। तो मैं फटाफट जाके अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ। मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में मैं इसमें अपना पासवर्ड डालता हूँ और आप देखेंगे इस समय मेरे पास में मुझे 10 बिल्डिंग प्लान असाइन है। ये मेरे कोटे में दिख रहे हैं कि मुझे 10 बिल्डिंग आप करो मुझे 10 बिल्डिंग प्लान असाइन है। मैं और आपको नीचे दिखाता हूँ टोटल मेरे डिपार्टमेंट में। आप देखेंगे जो मेरा एक्शन है उसके पास में 1 बिल्डिंग प्लान असाइन है, जो हमारा ऑडिटर है उसके पास में 10 बिल्डिंग प्लान असाइन है, हमारा जो वकील है उसके पास में 2 बिल्डिंग प्लान असाइन है और इसी तरह से हमारे पास जिस जिसके पास में जितने भी बिल्डिंग प्लान असाइन है, जिस भी कर्मचारी के पास में अलाइन है वो हमें ग्राफिकल भी पता चलता है और न्यूमेरिकल भी पता चलता है। अब मैं आपको प्रोसेस करके बताता हूँ। एक प्रोसेस के अलावा हमारे पास 2 तरह के बिल्डिंग प्लान आते हैं, एक रेजिडेंशियल आते हैं और एक कमर्शियल आते हैं। रेजिडेंशियल है उनको हम B1 कहते हैं, BP1 कहते हैं, जो हमारे पास 75 है, और जो हमारे कमर्शियल हैं BP2 कहते हैं जिनको कि 15 है। ऊपर जाइए, अब ये एक टोटल टैली पता चलती है। टोटल हमारे पास में अभी तक 129 हम अप्रूव कर चुके हैं, 90 हमारे पास में पेंडिंग है जो डिफरेंट चैनल्स में चल रहे हैं, जो 15-20 अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पास में है। रिजेक्ट हमने 21 कर दिए हैं और 20 हमने वापस कर दिए जो कि हम पास करने लायक ही नहीं थे, या तो वो अनऑथराइज एरिया में पड़ते थे या उनका एरिया नॉर्म सही नहीं था या उनमें कोई दूसरी तकनीकी दृष्टि से खामियां थी जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया, जिनको हम पास ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इनको अप्रूव करता हूँ। मैंने अब ये बिल्डिंग प्लान चूज़ किया और इसमें ये सबसे पहले जो ये आपको चैनल दिख रही है, सबसे ऐसी बिल्डिंग प्लान आता है ये JE के पास जाता है, तहसीलदार के पास में जाता है, DA के पास में जाता है, ZTO के पास में जाता है और टेक्निकल स्क्रूटनी में जाता है। इन सब में एक बार में चला जाता है, मतलब इनको मेरे को बार बार फाइल भेजनी पड़ती। पहले मैंने उनमें क्या होता था, इन 7 लोगों के पास में फाइल 7 बार जाती थी, एक ही बार फाइल चली गई है, 7 लोग साइमल्टेनियसली इस फाइल को अप्रूव कर रहे हैं और 7 दिन बाद में फाइल हमारे SDM के पास में आ जाती है। तो ये ग्रीन सिग्नल्स बता रहे हैं कि फाइल इन सब जगहों से अप्रूव हो चुकी है और SDM के पास आ गई है और SDM से अब ये फाइल मेरे पास में आ गई है। अब ये जो आपको आइकॉन दिख रहा है इट इज़ शोइंग कि मैंने काम नहीं किया है बिकॉज पेंडिंग विद मी, और ये ऑडिटर से भी आ गई। अब इसको मैं अप्रूव करूँगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे पहले कस्टमर डिटेल दिखा दीजिए, ये जो कस्टमर ने अपने डिटेल भरे थे, जो आपने अभी मैंने देखा था ना मेरे ड्राफ्ट, मैंने जैसे आपको डेमो करके दिखाया था, सारे डिटेल भरा था, बिल्डिंग प्लान लगा रहा था, अपने डिटेल्स भरा था, वो आप देखेंगे सारे नाम, साइट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सबको मैं चेक कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। अब मेरे प्रोसेस पे जाएं, अब डिपार्टमेंट में क्या प्रोसेस हुई है वो आप देख लीजिए। JE की रिपोर्ट की आ गई है, JE ने रिपोर्ट उसमें दे दी है, नीचे जाइए। इसके बाद में तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद में टेक्निकल स्क्रूटनी में हमारे ड्राफ्ट्समैन ने रिपोर्ट कर दी है, इसके बाद में ये इसके कमेंट्स हैं जो मैंने पढ़ने हैं। इन कमेंट्स के हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि जो बिल्डिंग प्लान है टेक्निकली करेक्ट है और हमारा जो कोड है 2017 उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इस बिल्डिंग प्लान में कोई कमी नहीं है। बाकी लोगों ने भी जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो उन्होंने देख लिए। अब मुझे इस पर डिसीजन लेना है कि क्या मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं।
तो मुझे लगता है मैंने इनकी बात मान लेनी चाहिए, तो मैं इनकी बात मान के आगे चल जाता हूँ। इसमें आप ये देखेंगे कि जेट टू ने टाइम पर रिपोर्ट नहीं दी है, दिस इज़ रेड, ऑटो सबमिटेड है। अब जेट टू में अगर इसका टैक्स जमा नहीं होगा और नगर निगम को उस टैक्स जमा ना होने से कोई अगर हानि होती है तो जेट टू के सिर पर पड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ पर मेरा नीचे में कमेंट देना है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इसकी इस बात से सहमत हूँ, तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव कर दीजिए। हाँ, अब ये मेरे पास में है, मैं चाहता तो इसको सेव करके रख सकता था, मेरे को अभी टाइम नहीं, मैं बाद में देख सकता था। मैं इसको अभी अप्रूव भी कर सकता हूँ, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको रीअसाइन भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी बेशी थी, किसी कर्मचारी की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, मैं इसको जेई के पास वापस भेज सकता हूँ, मैं ड्राफ्टमैन के पास वापस भेज सकता हूँ। मैं अभी चाहूँ तो इसको दोबारा से जेट टू के पास भी भेज सकता हूँ कि भाई तुमने इसके पैसे नहीं लगाए हैं, लगा दो। तो नाउ इट इज़ अप टू मी व्हाट आई विल डू। तो आई विल डू दैट कि आई विल रिटर्न इट टू जेट टू। भाई सरकारी पैसे का मामला है, अधिकारी को तो एक्सप्लेनेशन हो गई होगा इसके लिए, पर ये जाएगा उसको रीअसाइन में, रीअसाइन कर दो उसको। अभी रीअसाइन हो गई, हालांकि आप देखेंगे मेरा काम ये एक बंदा कर रहा है, बट ये यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ओटीपी मेरे पास में आ रहा है। तो ओटीपी के बिना आप नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी पूरी है ना, आपकी जगह कोई बिल्डिंग प्लान पास करा सकता है ना कोई पास कर सकता है। इस तरह से आप देखेंगे मेरी टैली नौ की रह गई, मैंने एक बिल्डिंग प्लान रीअसाइन कर दिया। तो दिस इज़ द होल प्रोसीजर विच इज़ अलाउइंग एंड इनेबलिंग गुड़गांव के सिटीजन्स को कि वो लोग बेहतर ढंग से काम करा सकें, नगर निगम ट्रांसपेरेंसी से काम कर सकें, करप्शन को हम कर्ब कर सकें, ख़त्म कर सकें। आई एम थैंकफुल टू रियल्टी मीडिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी वेबसाइट को जो कि mcg.gov.in है, उस पर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सेक्शन को लोगों को समझा सकूँ, सिखा सकूँ, बता सकूँ। और चूँकि आपका जो ये टेलीकास्ट है वो कुछ आधा घंटे में, 10 मिनट में आके ख़त्म नहीं हो जाता है, आप लोग उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जब भी उसे चाहें तब देख सकते हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और हमारे इस जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं अगर यहाँ पे कोई होती हैं तो उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।